हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट थ्री है। इसमें हम सीख रहे हैं क्लास फाइव चैप्टर फाइव लर्निंग टू टाइप, हाउ टू टाइप यूजिंग कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड यूज करके टाइप कैसे करना है, ये पार्ट थ्री का वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो जो मिस किए हैं वो भी आईटी प्लैनेट ये जो चैनल है इस पर आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम आगे के पार्ट सीखेंगे कि पार्ट नाइन, हाउ टू टाइप वी एंड एम कैसे टाइप करना है। देखिए, टाइपिंग जो है वो एक दिन में कोई नहीं सीखेगा, एक दिन में कोई भी टाइपिंग नहीं सीखेगा। आपने ये जो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, अप टू पार्ट ट्वेल्व है आई थिंक, तो जो पार्ट है एक पार्ट एक दिन आपने करना है बस। मतलब एक दिन में आपने वही जो दो कीज बताई गई है या तीन कीज बताई गई है कि ये तीन कीज आपने प्रेस करनी, तो दिन भर दिन में आपने दो घंटे तीन घंटे आपको जितना टाइम मिलता है उतने टाइम तक आपने सिर्फ वही कीज उन्हीं कीज को प्रेस करना है और सीखना है, प्रैक्टिस करना है। और इस तरह से मतलब लगभग एक महीना तो लग ही जाता है टाइपिंग के लिए। उसके लिए भी आपको हर दिन दो घंटे या ढाई घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके बिना देखे आप टाइप कर सकते हो। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वही सीखेगा। तो इसमें देखो वी एंड एम, यहाँ पर बस बताया गया है कि न्यू की, जैसे वी, अभी ये सभी कीज हमने सीख ली है कि कौन से फिंगर से कौन सी की प्रेस करनी है। अभी हमें सिर्फ जो न्यू कीज है, ये बाकी सभी कीज कौन से फिंगर से टाइप कौन सी की प्रेस करनी है, ये हमें बस इसमें बताया गया है इन पार्ट्स में। तो अभी ये जो नाइन पार्ट है, नाइन पार्ट में हमें बताया गया है कि एफ एंड जे जो है ये कैसे दबाना है। स्लाइड योर इंडेक्स फिंगर्स टू द लोअर रो फ्रॉम एफ एंड जे रिस्पेक्टिवली। एफ से उठाकर आपने कौन सी की प्रेस करनी है, वी, और एम से उठा करके जे से उठा करके एम की प्रेस करनी है। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर ऑलरेडी हमारा यहाँ पर होगा एफ पे और यहाँ पर होगा जे पे, तो उसी की से आपने एम प्रेस करना है और लेफ्ट हैंड के की से आपने सी बटन प्रेस करना है। तो सिंपल है। पार्ट नाइन, पार्ट टेन में कौन सी कीज ऐड की है, अभी पार्ट टेन में उन्होंने की ऐड की है बी एंड एन। तो बी किस कौन से फिंगर से टाइप करनी है, बोथ आर प्रेस विथ इंडेक्स फिंगर्स, दोनों भी इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होती है, ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड एन विथ द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। तो बी जो होगा वो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से और एन जो होगा राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से। यहाँ पर है बी और यहाँ पर है एन। तो इंडेक्स फिंगर से बहुत सारी कीज प्रेस करनी पड़ती है। इंडेक्स फिंगर से कौन कौन सी कीज प्रेस करनी पड़ती है, इस वीडियो के एंड में आपने कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी कीज हमें इंडेक्स फिंगर से टाइप करनी पड़ती है। ओके, पार्ट 11 में देखते हैं अभी। इन दिस पार्ट वी एड टू न्यू कीज एक्स एंड फुल स्टॉप। तो एक्स जो है यहाँ पर होता है कीबोर्ड पे और फुल स्टॉप यहाँ पर होता है। तो ये कौन से फिंगर के नजदीक है, विथ रिंग फिंगर। तो जो रिंग फिंगर होगा हमारा, जिसमें हम रिंग पहनते हैं, ये रिंग फिंगर है। कौन सा फिंगर है वो हमने पहले ही पिक्चर्स में देख लिया है, वहाँ से अगर आपको फिंगर्स में कुछ डाउट है तो वहाँ पे पिक्चर में आपकी बुक में भी दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये जो होगा रिंग फिंगर से आपने प्रेस करना है एक्स। एक्स देखो लेफ्ट साइड में है एक्स, तो ये लेफ्ट हैंड से होगा, और फुल स्टॉप राइट साइड में है तो राइट हैंड के रिंग फिंगर से टाइप करना है। ये पार्ट 11। पार्ट 12 में क्या बताया है, इन दिस पार्ट वी एड टू न्यू कीज जेड एंड स्लैश। तो जेड बटन जो है कौन से फिंगर से टाइप करना है, प्रेस बोथ कीज विद द लिटल फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स। तो लिटल फिंगर से टाइप करना है, तो जेड जो होगा वो लेफ्ट हैंड की लिटल फिंगर से टाइप करना होगा, और स्लैश जो होगा राइट हैंड के लिटल फिंगर से टाइप करना होगा, क्योंकि ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, यहाँ की फिंगर्स इतनी दूर तक नहीं पहुँच सकती आपकी, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो इस तरफ लेफ्ट साइड की कीज होगी लेफ्ट हैंड से, राइट साइड की कीज होगी राइट हैंड से। तो ये पार्ट 12 था। तो बस यहाँ तक ही इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन सी कीज, ये जो कीज है यहाँ पर हम 26 अल्फाबेट्स जो है वो 26 अल्फाबेट्स, कैप्स लॉक, स्पेस बार, कॉमा, फुल स्टॉप, स्लैश, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये जो कीज है, ये कीज को कौन सी फिंगर से प्रेस करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है, राइट। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और अपने घर के कंप्यूटर अगर है अवेलेबल तो कंप्यूटर पे टाइप करना है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वही सीखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5।
लर्निंग टू टाइम। और भी अगर किसी को कुछ डाउट होगा आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर जो MRC स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये फिंगर्स का जो अभी बताया था मैंने, जिन्होंने देखा नहीं पता नहीं चल रहा है तो वो यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है टाइपिंग करना, बिना देखे टाइप कर सकते हो आप। और जब भी आप टाइप करोगे अगर ये आप सीख जाते हो तो टाइपिंग के लिए टाइपिंग का एक अलग ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि आप बिना देखे किसी का भी नेम टाइप कर सकते हो या कुछ भी अपना पेज वगैरह टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं बिना देखे टाइप कर रहा हूँ अभी। ओके, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये देख लीजिए बिना देखे टाइप किया है मैंने। तो इस तरह से आप भी टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से होगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5, क्लास 5, लर्निंग टू टाइप। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।